नाना पाटेकर फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर जो कि कुछ ही दिन के अंदर ऐसे विवादों से घिरे हैं जिनका वाकई में मुश्किल होता जा रहा है एलिगेशंस को झूठा साबित कर। नाना पाटेकर जिनके खिलाफ तनुश्री दत्ता ने लगाया है बहुत ही बड़ा आरोप और उनके मिसबिहेवियर को लेकर नाराज तनुश्री दत्ता ने साफ कह दिया है कि वो उन्हें बॉयकट करा कर रहेंगी। तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर जैसे बड़े स्टार को बॉयकट कराने की बात कह चुकी हैं। उन्होंने जिस तरह से लीगल नोटिस नाना पाटेकर के घर भेज दिया है, ऐसे में 10 दिन का अल्टीमेटम नाना पाटेकर को लगा है और लगातार ही नाना पाटेकर के बारे में चर्चा बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, नाना पाटेकर इंडियन एक्टर, राइटर, फिलैंथ्रोपिस्ट होने के साथ साथ फिल्म मेकर भी है जिन्होंने हिंदी मराठी फिल्मों में जमकर काम किया। नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड तक अपने काम के लिए जीत चुके नाना पाटेकर ने बेस्ट सपोर्टिंग रोल परिंदा फिल्म के लिए जीता था। फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड के रोल से भी फिल्म अंगार के लिए नवाजे जा चुके हैं नाना पाटेकर, जिनका जन्म 1 जनवरी साल 1951 में हुआ था। 67 साल के नाना पाटेकर फिल्म इंडस्ट्री से दूर भले ही आज ना हो, लेकिन फिलहाल वो दूरी बना रहे हैं मीडिया वालों से। आज हम आपको एक खबर देना चाहेंगे कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि नाना पाटेकर अपने अर्निंग के यानी कि अपनी कमाई के 95% पैसों को गरीबों में बांट दिया करते हैं। सोचिए जरा, इतने पैसों को गरीबों में बांट देना, अपने संपत्ति को खुलकर गरीबों में शेयर करना, आखिर क्यों ना मसीहा बने नाना बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए जिन्होंने इतने लोगों की मदद की है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।